नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में भी आपको रूट्स फाइंड करने हैं, और क्वेश्चन नंबर थ्री में रूट्स फाइंड करने के लिए आपको नंबर वन दिया है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्स एलसीएम लेना है, एक्स एलसीएम यानी जिसके नीचे एक्स नहीं है उन सभी को एक्स से मल्टीपल करना है। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन का माइनस वन ही रहेगा, और यहाँ पे थ्री को एक्स से मल्टीपल करो तो कितना आएगा, थ्री एक्स। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स। थ्री एक्स को भी लेफ्ट साइड लेके आओ तो माइनस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, अरेंज भी कर देना है, एक्स की टू पावर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसका कंपेरिजन करना है तो ए इज इक्वल टू वन होगा, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री होगा, एंड सी इज इक्वल टू माइनस वन। नाउ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वेयर की जगह पे लिखना है माइनस थ्री का स्क्वेयर माइनस फोर वन, सी की जगह पे माइनस वन। माइनस थ्री का स्क्वेयर नाइन, स्क्वेयर ऑलवेज माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का मल्टीपल माइनस माइनस प्लस, फोर वन जा फोर, नाइन प्लस फोर यानी थर्टीन, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है तो आप रूट्स फाइंड कर सकते हो। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। माइनस की जगह पे माइनस, बी की वैल्यू आपको लिखनी है माइनस थ्री, प्लस और माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, ये बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी का वैल्यू 13। आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस थ्री, प्लस और माइनस 13 का रूट निकलेगा नहीं, तो रूट 13, टू वन जा टू। अभी प्लस वाला अलग निकाल दो, माइनस वाला अलग निकाल दो, थ्री प्लस रूट 13 अपॉन टू, थ्री माइनस रूट 13 अपॉन टू, ये दोनों अपने कहलाएंगे रूट्स। आगे समझाया था उसी मेथड से आपको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का टू, उसके अंदर आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई कैसे करना है वो समझना है। फर्स्ट टर्म के नीचे x प्लस फोर है, सेकंड टर्म के नीचे x माइनस सेवन है, और यहाँ पे 30 है। इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम यानी कि जिसके नीचे जो नहीं है उससे मल्टीपल करना है। कैसे, तो फर्स्ट के नीचे क्या है, x प्लस फोर, क्या नहीं है, x माइनस सेवन भी नहीं है और 30 भी नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीपल वन के साथ, तो 31 30 एक्स माइनस सेवन, फिर माइनस का साइन माइनस। यहां पे सेकंड टर्म के नीचे क्या है, एक्स माइनस सेवन है, क्या नहीं है, एक्स प्लस फोर भी नहीं है और 30 भी नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीपल वन से करो, दोनों का मल्टीपल वन से यानी 31 30 इन ब्रैकेट एक्स प्लस फोर। समझ आया, उसी तरह यहां पे 30 है, क्या नहीं है, x प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, तो इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीपल 11 के साथ, 11 इन ब्रैकेट x प्लस फोर एक्स माइनस सेवन। ओके, इस तरह आपको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, और नेक्स्ट सिंप्लीफाई में आपको मल्टीपल करना है। देखो 30 इंटू एक्स 30x, 37 जा 210, माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 34 जा 120। 11 की जगह पे 11, x का मल्टीपल दोनों से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सेवन माइनस सेवन एक्स, फोर इंटू एक्स फोर एक्स माइनस फोर सेवन जै 28। क्लियर, यहाँ पे देखो प्लस माइनस कट हो गया, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गए, तो दोनों माइनस माइनस प्लस यानी दोनों का प्लस 330 इज इक्वल टू 11 एक्स स्क्वेयर, दोनों का यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई होगा, माइनस सेवन एक्स प्लस 34x यानी माइनस 3x, माइनस 28 ऐसे लिख देना है। आगे माइनस 330 11 का मल्टीपल तीनों के साथ, 11 एक्स स्क्वायर, 11 थ्री जा 33x, 11 और 28 का मल्टीपल 308। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तीनों के तीनों टर्म पहले लिख दिए मैंने, 11 एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 308, ये माइनस 330 जो है वो राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 330 इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट 11 एक्स स्क्वायर माइनस 33x, और यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है, उन दोनों का माइनस क्या होगा, 22 साइन बड़े डिजिट का प्लस इज इक्वल टू जीरो। आगे तीनों में से 11 कॉमन निकलेगा, यानी तीनों को 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर, 11 से डिवाइड करो तो 3x, 11 से डिवाइड करो तो 2 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे आप ये फॉर्मूला कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फैक्टर आपका इजी है, 2 का फैक्टर निकालो कि 3 मिले, तो 2 1 2 दोनों का प्लस 3। कैसे करेंगे, तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर दो बार लिख दो,
और फैक्टर निकला 2 1 2, दोनों का प्लस करना है और दोनों के प्लस के लिए मिडिल टर्म माइनस है तो दोनों को माइनस देना है। स्क्वायर कट एक्स कट स्क्वायर कट एक्स कट, यानी एक्स माइनस टू इन वन ब्रैकेट, एक्स माइनस वन इज अनदर ब्रैकेट। माइनस टू सामने गया तो प्लस, माइनस वन सामने गया तो प्लस, तो अपना आंसर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, क्वेश्चन नंबर जो फोर दिया है उसमें आपको वर्ड में क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना है। कैसे? क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो रहमान की आपको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो जो एज फाइंड करनी है उसको हम पहले सपोज करेंगे एक्स ईयर्स। क्या सपोज करेंगे? एक्स ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू एक्स ईयर्स बिफोर 3 years, यानी 3 साल पहले। क्वेश्चन में लिखा है 3 years अगो, 3 years अगो यानी बिफोर 3 years, यानी 3 साल पहले, पहले यानी माइनस करना है एक्स माइनस थ्री। अभी कितनी है एक्स, तो 3 साल पहले कितनी होगी एक्स माइनस थ्री। एंड सेकंड आफ्टर 5 years, टेक्स्ट बुक में लिखा है 5 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद क्या होगा प्लस, यानी एक्स प्लस फाइव। समझ आया? प्रेजेंट एज एक्स, आफ्टर सॉरी बिफोर 3 years अगो यानी एक्स माइनस थ्री, और आफ्टर 5 years यानी एक्स प्लस फाइव। दोनों का रेसिप्रोकल, क्वेश्चन में लिखा है दोनों के रेसिप्रोकल का सम। रेसिप्रोकल यानी दोनों के दोनों आपको दिए न्यूमिनेटर, उसको लिख देना है नीचे, यानी x माइनस थ्री का रेसिप्रोकल x 1/x-3 और x प्लस फाइव का रेसिप्रोकल 1/x+5। ये दोनों का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, सम यानी बीच में प्लस का साइन इज इक्वल टू 1/3। और जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री में नंबर टू सिंप्लीफाई किया था वैसे यहाँ पे करना है, x माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एंड थ्री, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो तीनों का एलसीएम कैसे? तो पहले के नीचे x माइनस थ्री है, तो x प्लस फाइव और थ्री दोनों का मल्टीपल वन के साथ, थ्री वन जा थ्री इन ब्रैकेट x प्लस फाइव। सेकंड टर्म के नीचे आपको x प्लस फाइव दिया है तो थ्री और x माइनस थ्री मल्टीपल करना है, और थर्ड टर्म के नीचे थ्री दिया है तो इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीपल यहां पे करना है वन के साथ। क्लियर? चलो थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स, थ्री थ्री जा नाइन, प्लस माइनस माइनस। यहां पे दोनों ब्रैकेट का मल्टीपल, x का मल्टीपल दोनों से एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री फाइव जा फिफ्टीन। आगे थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स यानी सिक्स एक्स, फिफ्टीन माइनस नाइन यानी कि सिक्स, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, इन दोनों का माइनस करो तो कितना होगा 2x-15। अभी ये तीनों के टर्म मैंने लिख दिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-15, और ये जो दोनों टर्म आपको लेफ्ट साइड दिए उसको राइट साइड लेके जाओ तो दोनों प्लस है, सामने जाएंगे तो माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इज इक्वल टू जीरो। आगे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, 2x में से 6x माइनस करो तो माइनस 4x, माइनस 15 और माइनस 6 करो तो माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। और इसके अंदर भी आप फैक्टर निकाल सकते हो, इसके अंदर भी आप फैक्टर निकाल सकते हो, 21 के फैक्टर निकालो के 4 मिले, तो 7 3 21, 7 में से 3 माइनस करो तो 4। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म दो बार लिख दो, एक्स स्क्वायर 7 3 यानी 7x 3x, दोनों का माइनस करना है तो मिडिल टर्म माइनस है तो बड़े को माइनस छोटे को प्लस। स्क्वायर कट एक्स कट स्क्वायर कट एक्स कट, क्या आएगा x माइनस 7 इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 7 ऑपोजिट साइड जाएगा तो प्लस 7, प्लस 3 ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 3। किसी की भी एज इन रूट सॉरी माइनस में पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर्स। बाकी के सम नेक्स्ट लेक्चर में।